में जुलूस के लाइसेंस में जो नियम बताए गए हैं उसका सख्ती से पालन करें, रूट जो बताया गया है उसका उल्लंघन न करें, समय जो बताया गया है उसका उल्लंघन न करें, किसी तरह के नशे की सेवन करके जुलूस में न जाएं, और जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं डीजे नहीं बजाना है, डीजे नहीं बजाना है। ये शांति का पर्व है और शांति से इसको गुजारना आध्यात्मिक पर्व है, माँ दुर्गे की आराधना का पर्व है। हम आधुनिकता के शोर में हल्ला हंगामा डीजे फुहड़ फुहड़ गाने भड़काऊ नारे, इससे हमारा नुकसान है, केवल हमारा नुकसान है और किसी का नहीं है। इसलिए हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे, न कोई ऐसी झांकी लगाएंगे जिससे किसी के मन को तकलीफ हो, न कोई ऐसा नारा लगाएंगे जिससे किसी के मन को तकलीफ हो, न कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसी संप्रदाय को ठेस पहुँचे, उसकी भावना को आहत पहुँचे। रास्ते में मंदिर पड़े, मस्जिद पड़े, गुरुद्वारा पड़े, सबका सम्मान करते हुए शांति से निर्धारित रूट से निर्धारित समय पर हम लोग अपना जुलूस निकालेंगे और हम लोग अपने त्यौहार को इतना अच्छे ढंग से मनाएंगे कि पूरे बिहार के बाहर एक संदेश जाए कि बिहार के लोग सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बना करके रहते हैं, और इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा गौरव बढ़ेगा। कुछ असामाजिक तत्व हर समाज में रहते हैं, हर समुदाय में रहते हैं, हर मजहब में रहते हैं, जो मौके का फायदा अपने निजी लाभ के लिए उठाना चाहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा रहें, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। वो हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं, हर जात में हर मजहब में हो सकते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, सही बात सही सलाह उनको समझ में नहीं आती। आप सारे लोग ऐसे लोगों पर निगरानी रखें, उनको काबू में रखें, उनके अफवाह में नहीं जाएं, उनके समझाने पर कोई गलत काम न करें, और ये बार बार बता चुका हूं कि बहुत संवेदनशील मामला होता है। अब तो पूरा पुलिसिंग डिजिटल हो रहा है, सीसीटीएनए से कवर हो रहा है हमारे पूरे बिहार के थाने। कोई कुछ करेगा, बच्चा है, नौजवान है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी बच्चे का, किशोर का, नौजवान का किसी भी तरह के उपद्रव में, केस में, मुकदमे में नाम आ जाए, फिर उसका नाम गुंडा पंजी में चढ़ना तय है। गुंडा पंजी में चढ़ जाए तो किसी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेगा, चपरासी भी नहीं हो सकता, अधिकारी बात ही कहे, ठेकेदारी तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके घर में कोई लाइसेंसी हथियार है, किसी के नाम से है, उसके दुरुपयोग की संभावना बता करके उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, और फिर गुंडा रजिस्टर में एक बार नाम चढ़ गया तो जीवन आपका बर्बाद, क्योंकि कभी भी आप पर सर्विलेंस प्रोसीडिंग हो सकती है, और कभी भी आपकी निगरानी की कार्रवाई शुरू हो सकती है, कभी भी पुलिस आपके घर में रेड कर सकती है, छापामारी कर सकती है, दस्तक दे सकती है, थाना पर हाजिरी देने के लिए कर सकती है, आपके इलाके में कहीं कोई किसी तरह की घटना होगी उसमें आपकी खोज हो सकती है, आप पर मुकदमा हो सकता है, पूरा जीवन तबाह हो जाता है। क्यों हमारे बच्चों का, नौजवानों का, हमारे लोगों का जीवन तबाह हो? क्यों हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो, उत्तेजना में, बेवकूफ़ी में, किसी के भड़काने पर, किसी के फुसलाने पर, किसी के गलत समझाने पर आवेश में आकर कोई गलत काम नहीं करना है। माँ भगवती की आराधना का पर्व है, हम 9 दिन पूरी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की आराधना करेंगे, और जब विसर्जन का होगा समय आएगा तो अनुशासित ढंग से लाइसेंस के सारे नियमों का पालन करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए, आपसी सद्भाव भाईचारा और एकता बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक ढंग से ले जा करके माँ भगवती का विसर्जन करेंगे। इससे आपका भविष्य सुरक्षित, आपका समाज सुरक्षित, हम आप पूरा बिहार का गौरव सुरक्षित। मेरी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा आपके सेवा में हूँ, मैं नौजवानों को समझाने के लिए मैं उनका शुभचिंतक हूँ, उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब ऐसा स्थिति है कि एक बार रिकॉर्ड में नाम आ जाने के बाद फिर कोई उसके बचाव का रास्ता बचता नहीं है, आपने देखा होगा और आगे भी देखेंगे। मैं हाथ जोड़ करके तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपका अभिभावक हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, मैं केवल आपके लिए कह रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान देंगे और ऐसे
सुंदर माहौल में ये पूजा का समापन समारोह करेंगे, जुलूस का समापन करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।